हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम यूपीआई 123 पे के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक पेमेंट सर्विस है जिसको लॉन्च किया है आरबीआई ने। ये फीचर फोन के लिए पेमेंट सर्विस अवेलेबल है, जैसे कि स्मार्टफोन के लिए आप यूज़ करते हो पेटीएम, आप यूज़ करते हो यूपीआई पे के थ्रू, आप भीम ऐप यूज़ करते हो, गूगल पे यूज़ करते हो, तो इनके थ्रू आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, स्कैन करके कर सकते हैं। बट फीचर फोन में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो इसके लिए ये सर्विस लॉन्च की गई है आरबीआई के द्वारा। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं किस तरह से आप पेमेंट कर पाएंगे और क्या फायदे हैं इसके। तो देखिए, ये न्यूज़ है, आरबीआई ने रिसेंटली लॉन्च की है एक नई यूपीआई सर्विस 123 पे। इसका एम क्या है, इंडिया में ऐसे 40 करोड़ लोग हैं जो फीचर फोन यूज करते हैं, इस तरह का जो डब्बा फोन होता है, कीपैड फोन होता है, उसको यूज करते हैं। वो सभी इंटरनेट की, एक तो इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, दूसरी चीज इसमें क्या, वो आप यूपीआई पेमेंट वगैरह करते हो तो किसी ना किसी ऐप से करते हो, तो इसमें तो ऐप भी नहीं होती, तो वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरी आप इस फोन से भी कर सकते हो। तो स्मार्टफोन में भी हमारे पास इंटरनेट होगा तभी हम इन ऐप को चला पाएंगे। बट मान लीजिए कभी आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, आप ऐसे एरिया में गए जहाँ पे आपका नेट नहीं चल रहा है, तो फिर आप ये ट्रांजेक्शन वगैरह किस तरह से कर पाएंगे। तो इस जो ये आपका यूपीआई 123 पे है उसके थ्रू आप कर पाएंगे। अभी तक क्या है, यूपीआई पेमेंट आप कौन कौन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन यूजर्स ही कर सकते हैं। ये पेमेंट एप्लीकेशंस के थ्रू करते हैं स्मार्टफोन यूजर्स, और अगर फीचर फोन यूजर्स करेंगे तो वो यूएसएसडी बेस्ड सर्विसेज के थ्रू करते हैं, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं इस कोड से। ये यूएसएसडी सर्विस स्टार, जैसे आप पहले रिचार्ज कराते थे या रिचार्ज चेक करते थे फीचर फोन में, *123#। ठीक है, जैसे पहले मेरे पास 2012 से 16 के बीच में मेरे पास ये डब्बा फोन था जिससे मैं इस तरह से करती थी, सैमसंग का, तो *123# या रिचार्ज वगैरह भी आपको कराने तो वो सब भी कर सकते थे। तो बेसिकली इस तरह से होता था, तो वही चीज यहाँ पे, ये यूएसडी बेस्ड सर्विस होती है फॉर फीचर फोन। ठीक है, तो इससे कराई जा सकती है अभी तक। अब क्या होगा, आप यूपीआई 123 पे से सिंपल फोन जो होते हैं उन पर ये वर्क करेगा विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, आपको इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा, और ये 3 स्टेप मेथड होगा टू इनिशिएट एंड एग्जीक्यूट यूपीआई ट्रांजेक्शन। मतलब आप यूपीआई ट्रांजेक्शन स्टार्ट करोगे और उसको खत्म करोगे, वो 3 स्टेप मेथड होगा। ठीक है, तो वो कैसा होगा वो भी देखेंगे। यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो, तो मनी ट्रांसफर कर सकते हो, एलपीजी गैस रिफिल कर सकते हो, फास्टैग रिचार्ज कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, ईएमआई रिपेमेंट करना है, बैलेंस चेक करना है, यूपीआई पिन आपको सेट करना है, वो भी कर सकते हो। 4 डिफरेंट वेज में आप कर सकते हो। एक वो कॉलिंग, आप कॉल करते हो उनसे, पूछते हो क्वेरीज अपनी, तो उस तरह का इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, कॉलिंग एंड इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, तो उससे कर सकते हैं। दूसरा होता है यूजिंग ऐप फंक्शनैलिटी इन फीचर फोन, फीचर फोन में आप ऐप यूज करके कर सकते हैं। तीसरी चीज जो है साउंड बेस्ड पेमेंट, उससे किया जा सकता है, इनको मैं अभी वीडियो में आप देख सकते हैं, थ्रू अ मिस्ड कॉल फंक्शनैलिटी। ठीक है, एक मिस कॉल के जरिए भी आप कर सकते हो। ठीक है, मिस्ड कॉल के जरिए कर सकते हो। मिस कॉल किस नंबर पर करना है वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, आप फास्टैग रिचार्ज भी कर सकते हो। जो गाड़ी में फास्टैग लगा होता है ना व्हीकल्स में, तो जो आपका टोल कटना होता है, तो वो फास्टैग रिचार्ज भी कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं और यूपीआई पिन आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। किस नंबर पे आपको कॉल करना है, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी तो इस नंबर पे आपको कॉल करना है, टोल फ्री नंबर पर। ये इसके साथ इन्होंने डिजी साथी एक ये ऐप भी बनाई है, इस ऐप से भी आप चैट कर सकते हैं, डिजी साथी .info। ठीक है, बेसिकली ये ऐप भी साथ में आप इन्होंने लॉन्च की है। ओके, भारत में लगभग 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन उपयोगकर्ता हैं, और ये सभी फीचर फोन उपयोगकर्ता डिजिटल पेमेंट समाधानों से वंचित हैं। इसे ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फीचर फोन आधारित पेमेंट समाधान की शुरुआत की है, जिसमें डिजिटल पेमेंट करने के लिए सर्वर साइड कॉमन लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसके द्वारा फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को शामिल किया गया है। फीचर फोन आधारित पेमेंट का लाभ ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी पर कोई निर्भरता नहीं है, और ये सुविधा कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।
जिसकी मदद से अब स्मार्टफोन और फीचर फोन उपयोगकर्ता दोनों अपने स्वयं के उपकरणों पर आसानी से डिजिटल पेमेंट का लाभ उठा सकते हैं। पेश है UPI फॉर फीचर फोन 123 पे। अब चुटकी में पेमेंट करो अपने फीचर फोन से 3 आसान स्टेप्स में। कॉल करो, चूज करो, पे करो। ऑन बोर्डिंग के लिए यूजर को अपने बैंक खाते को अपने फीचर फोन से लिंक करना होगा। अपने फीचर फोन का उपयोग करके पेमेंट या लेन देन करने के लिए उपयोगकर्ता को अपने डेबिट कार्ड के डिटेल की मदद से अपना UPI पिन सेट करना होगा और बस हो गया। ये श्रीकांत है, वो अपने दोस्त को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। वो IVR नंबर पर कॉल करते हैं और बताए विकल्पों में से चुनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जैसे मनी ट्रांसफर, LPG गैस रीफिल, फास्टैग रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, EMI रीपेमेंट, बैलेंस चेक इत्यादि। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस किस स्टेप में आपको करना है, तो नंबर एक डायल करना है। हम अपने जो कीपैड फोन है उस पर एक ये नंबर डायल करेंगे, ठीक है। हम ये नंबर डायल करेंगे, उसके बाद वो हमसे पूछेगा कौन सी लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है, तो हिंदी, इंग्लिश, जो भी हम बोलते हैं, और या कोई सी भी लैंग्वेज, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में है, ठीक है। तो कोई सी भी लैंग्वेज जो हमें सूटेबल लगती है वो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें 1 प्रेस करना है ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर के लिए। जैसे आपने कभी अगर गैस सिलेंडर का नंबर लगाया हो तो आपको पता होगा कि इस तरह से वो पूछते जाते हैं, आप बोलते जाओ, यहाँ पे आपको नंबर डालना होता है, फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपका नंबर या आप लैंग्वेज कौन सी बोल रहे हो, या कोई सी भी आप अगर कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो जिस तरह से प्रोसेस होती है सेम उसी तरह से होगी। ये नंबर डायल करो, लैंग्वेज सेलेक्ट करो, मनी ट्रांसफर के लिए आपको 1 सेलेक्ट करना है, 1, 2, 3 ऐसी तरह से ऑप्शन होंगे, ठीक है। अगर आपको मनी ट्रांसफर करना है फिर उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि बैंक सेलेक्ट करो, किस बैंक में आपका अकाउंट है जिससे आप UPI आप जिसे करना चाहते हो, तो वो आप बैंक सेलेक्ट करोगे। बैंक सेलेक्ट करने के लिए फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो सही है या नहीं, इसको कंफर्म करो, तो फिर कंफर्म करने के लिए जो भी वो ऑप्शन है 1, 2, 3 वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो ऑप्शन पर आप मतलब वो 1 जो होगा 1 पर आपको टैप करना है। उसके बाद फिर मनी सेंड करने के लिए फिर आप वापस आपने कंफर्म कर लिया कि हाँ सारी डिटेल सही है, तो फिर आप 1 फिर प्रेस कर दोगे, वो बोलेंगे 1 प्रेस करो, तो आप 1 प्रेस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी चीज, अगर यहाँ पे हमने क्या किया है मनी ट्रांसफर के लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरी सर्विस करना है उसमें जिस तरह से वो बोलते जाएंगे 2 प्रेस करना है, 3 प्रेस करना है, जो भी, तो वो आप प्रेस कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर यूज करना है, मोबाइल नंबर बोलेंगे, वो मोबाइल नंबर डालो, तो आप मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, फिर जो डिटेल्स उनको कन्फर्म कर लेंगे, एंड उसके बाद जितना आपको अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर करना है वो आप मनी ट्रांसफर कर देंगे, और इसके अलावा जो UPI पिन है उसको ऑथराइज करना और मनी ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से होगा, ओके। तो चलिए यहाँ पे हमारे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। इसकी अगर PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप इंस्टा और फेसबुक पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।